हेलो बच्चों, विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो किरचॉफ लॉ पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सोल्व करें। ओके, तो इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं किरचॉफ लॉ पर, उसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन पर, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी जो बेस्ड क्वेश्चन है उन पर। तो आज हम जो क्वेश्चन है हमारे पास वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल था इसलिए हमने इसको लिया है। और ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बोर्ड में मिनिमम एक क्वेश्चन तो इस पे आ ही जाता है। तो उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा अच्छे से देखोगे। ओके, तो इससे जो पहला वाला क्वेश्चन है जिन बच्चों ने देखा उनको काफी हेल्प मिलेगी इसको समझने में। ओके, तो यहाँ पर इसको सोल्व करने से पहले जो किरचॉफ के जो दो लॉ है उनको आप रिकॉल कर लीजिए। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या आपका करंट लॉ है। ओके, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जहां से जितना करंट आता है उतना वहां से निकल जाता है। ओके, तो वो था आपका फर्स्ट लॉ। यहां से बोलते हैं कि जो एल्जेब्रिक सम होता है किसका करंट का वो क्या होता है जीरो। जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग से बोलते हैं लूप लॉ। कौन सा लॉ? ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी लूप में जो ईएमएफ का सम होता है वो इक्वल किसके होता है? एल्जेब्रिक सम किसके? आई एन टू आर, मतलब रेजिस्टेंस और उसके कोरेस्पॉन्ड करंट का जो प्रोडक्ट है उसका एल्जेब्रिक सम किसके ऊपर होता है? EMF के। ओके, तो ये दो लॉ है किसके? किरचॉफ के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कौन सा? फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जहां से जितना करंट आएगा उतना निकल जाएगा, तब क्या होता है एल्जेब्रिक सम क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बैटरी है, इसमें दो बैटरी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक को आप मानिए फर्स्ट बैटरी, एक को सेकेंड बैटरी। तो हमने माना है ये फर्स्ट ये सेकेंड। ओके, तो जो इससे करंट निकलेगा वो क्या होगा? उसको नाम दिया I1, और जो इससे करंट निकलेगा उसको I2। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जहां से जितना करंट निकला उतना ही जाएगा। कितना निकला I1? तो यहाँ पे जाएगा कितना? I1। कितना निकला I2? तो यहाँ पे कितना जाएगा? I2। ओके, अब यहाँ पे देखिए I2 करंट कहाँ पर आया? इस वाले पॉइंट पर आया। तो पहले नेम कर लीजिए, चलो नाम कर लेते हैं इसको ABCDEF। ओके, तो I2 करंट कहाँ पर आया? F पॉइंट पर। F पॉइंट पर आएगा अपना को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। क्या करेगा? ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर कितने ब्रांच है? दो ब्रांच है, एक ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच। ओके, तो कुछ करंट तो इस ब्रांच में निकल गया और कुछ करंट कहाँ पर निकल गया? ऊपर वाली ब्रांच में। जो ऊपर वाली ब्रांच है उसमें भी पता करंट कौन सा जाएगा? I1। तो I1 किससे निकला? I2 से ना। किससे निकला? I2 से। इसका मतलब है कि इस वाली ब्रांच में करंट क्या होगा? I2 - I1। ओके, बिकॉज I2 से कौन निकल गया? I1। तो बाकी क्या बचा? I2 - I1 ना। तो ये तो था आपका फर्स्ट लॉ। कौन सा? प्रथम लॉ या फर्स्ट लॉ। अब बात करनी है आपको सेकंड लॉ। जब सेकंड लॉ की बात करें तो हम इसके जो पूरा सर्किट है उसको ब्रेक करते किसमें? लूप में। अब लूप हम उतने लेते हैं जितने हमारी करंट ब्रेक है। तो करंट कहां तक पहले आपके I2। तो इसका मतलब कि आपके पास दो वेरिएबल है I1 और I2। कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल I1 और I2। तो केवल इस क्वेश्चन में आपको दो लूप चाहिए। कितने? दो, एक तो फर्स्ट एक सेकंड। ओके, तो लूप कैसे लेते हैं? हम देखिए लूप लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो सर्किट है उसमें कम से कम बैटरी आए। तो इस वैसे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, कोई इतना हार्ड नहीं है। तो इसमें इजीली आप लूप ले सकते हैं, एक तो ऊपर वाला फर्स्ट नीचे वाला सेकंड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लूप लेने में। तो ऊपर वाला क्या हो गया आपका? फर्स्ट लूप, नीचे वाला सेकंड लूप। ओके, जब आप फर्स्ट लूप को सोल्व करें सेकंड लूप के अकॉर्डिंग, तो जो सेकंड लूप है उसको छोड़ दीजिए। मतलब फर्स्ट को सोल्व करना है तो सेकंड को भूल जाओ, जब सेकंड को करना है तो तब फर्स्ट भूल जाओ। ओके, अभी मुझे करना फर्स्ट लूप या फर्स्ट लूप सोल्व, तो सेकंड लूप को भूल जाइए, छोड़ दो सेकंड लूप को। ओके, तो अगर आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो का अकॉर्डिंग क्या था कि जहां पे करंट ब्रेक हो जाती है, क्या हो जाती है? ब्रेक। आपको सर्किट वहां से लेना है, तो ब्रेक कहां से हो रहा है? एफ पॉइंट पर ब्रेक होता है करंट। ओके, जहां पर करंट के डायरेक्शन सेम हो वे तो क्या होता है? प्लस। जहां करंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस, मतलब विपरीत होती है, वो क्या होता है? माइनस होता है। ओके, एक्चुअली इसमें दो ही रेजिस्टेंस है एक बैटरी सर्किट में, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पर करंट क्या हुआ? ब्रेक हो गया था ना, तो एक करंट तो 40 में और एक करंट कहाँ पे जा रहा है? 20 में। तो मतलब एक प्लस में दूसरा माइनस में, आपकी मर्जी कोई भी प्लस में कोई माइनस में ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं I into R का जो एल्जेब्रिक सम है किसके इक्वल होगा? बैटरी के EMF के। तो बैटरी कितनी है? एक है, तो EMF कितना है इसका? 80। कितना है? 80। किसके इक्वल होगा? I into R।
मतलब रेजिस्टेंस के कोरेस्पोंड करंट, तो 20 I1। फिर आपका सेकंड रेजिस्टेंस कितना 40, करंट कितना इसमें I2 माइनस I1। बट ध्यान रहे यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग के अपोजिट है, मतलब इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट इस तरह से जा रहा है। ओके, तो डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो अपोजिट होने का मतलब है कि एक प्लस में तो दूसरा अपने आप क्या में लिखोगे, माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 40 आई टू माइनस आई वन, पूरा इक्वेशन डिवाइड हो रहा है 20 से, किससे 20 से। तो आप कर सकते हो ये 4 वन टाइम और ये आपका 2 टाइम। ओके, जो यहाँ पर 2 आएगा उसकी मल्टीप्लाई कहाँ पर, अंदर की साइड, तो हो जाएगा 2 आई टू माइनस माइनस प्लस 2 आई वन। इसको आप अच्छे से लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 आई वन माइनस 2 आई टू इक्वल 4। ये कौन सी इक्वेशन आपकी, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आपको सोल्व करना है किसको, सेकेंड लूप को, किसको, सेकेंड लूप। तो लूप सेकेंड, जब सेकेंड लूप को सोल्व करें तो आप जो पहला लूप है उसको भूल जाएंगे, या बाकी भी जो लूप है उसको भूल जाएंगे। तो यहाँ पर दो लूप है, तो सेकेंड लूप करोगे तो फर्स्ट भूल जाओगे, तो फर्स्ट को हटा दीजिए। ओके, तो गौर से देखिए यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है, किसका, करंट का, ऐसे आया करंट ऊपर गया, I2 से को निकला था I2 माइनस I1 ना, तो मतलब करंट का डायरेक्शन क्या सेम है, और उसके बाद वापस इस तरह से आ गया। तो आप देख पा रहे हो इसके अंदर जो करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम बना हुआ है। तो ये सभी कैमरा आएगा प्लस में, तो 40 और 10 रेजिस्टेंस जो होगी कैमरा आएगी प्लस में आएगी। तो देखिए यहाँ पर इसका ई एम एफ कितना है, 40, कितना है 40, तो ई एम एफ 40 है, इक्वल किसके होगा आई इन टू आर, मतलब रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्ड करंट। तो रेजिस्टेंस कितना है 40, उसके कॉरेस्पॉन्ड करंट आई टू माइनस आई वन, ये कितना है 10, कॉरेस्पॉन्ड करंट आई टू। ओके, सभी का करंट सेम डायरेक्शन में था, तो सभी कैमरा है प्लस में, अगर अपोजिट होता तो कैमरा आते माइनस में आते। ओके, तो यहाँ पे देखिए पूरी इक्वेशन जो है 10 से डिवाइड है, तो ये हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, अंदर की साइड, तो 4 आई टू 4 आई वन प्लस आई टू। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिखिए, तो पहले आई वन और उसके बाद आई टू, तो हो जाएगा 5 आई टू इक्वल 4। कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व कीजिए, यहाँ तो इजीली सोल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई वन कितना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने 4 से मल्टीप्लाई, अगर इस इक्वेशन में 4 से और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आपके कोफिशियंट है वो क्या हो जाएगा इक्वल, और उसको आप ऐड कर दीजिए, बिकॉज ये माइनस में और ये प्लस में है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सोल्व करना है, तो कैसे करना है, फर्स्ट इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करनी 4 से, एंड सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कैसे करनी है 3 से। ओके, तो कीजिए पहले फर्स्ट इक्वेशन में 12 आई वन 8 आई टू इक्वल 16, इसी तरह से 3 से 12 आई टू माइनस के 15 आई टू। ओके, और ये क्या जाएगा आपका 12। अब ये आपका प्लस है, ये माइनस है, तो कैंसिल आउट प्लस करने पर ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8। ओके, ये हो जाएगा 7। ओके, 7 आई टू, ये कितना हो जाएगा आपका 28, तो 7 4 जो 28, तो आई टू की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ओके, 4 एम्पियर। अब आई टू की वैल्यू आपकी मर्जी है, किसी भी एक इक्वेशन पुट अप कीजिए और आपको आई वन मिल जाएगा। तो हमने कीजिए इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट इक्वेशन पुट अप करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3 आई वन माइनस आई टू की वैल्यू कितनी है, आपको गिवन है यहाँ पर 4। ओके, इक्वल 4 कितना हुआ 8, माइनस का है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 8 4 कितना हुआ 12, 3 4 जब 12, तो आई वन में कितना हो गया 4। ओके, तो ध्यान रहे आई वन और आई टू की वैल्यू कितनी है 4 है। अगर हमें करंट निकालने किस ब्रांच में, एफ सी, बिकॉज हमें हर एक ब्रांच में करंट निकालना था। ओके, तो ए बी ब्रांच में आ गया, आई वन तो हमें फाइंड कर लिया। ओके, इसी तरह से ए डी ब्रांच में कितना आई टू था, आई टू भी फाइंड माना हो चुका है, हमें क्या निकालना है एफ सी ब्रांच में, तो यहाँ पे देखिए एफ सी ब्रांच,
तो FC ब्रांच में जो करंट है कितना है, I2 माइनस I1, I2 I1 दोनों की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 माइनस 4 कितना होगा 0। तो ध्यान रखिएगा इस वाले ब्रांच में जो करंट है कितना है 0 है। ओके तो ये था क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया है किरचॉफ लॉ पर, और जो बाकी क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ पर वो भी इसी कॉन्सेप्ट से होने हैं। ओके उम्मीद है कि हम आगे भी जो वीडियो है इस कॉन्सेप्ट पे लाइक है, तो आप लोग से भी अपना सपोर्ट ना रखें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।